आम तौर पर शालीनता से बात करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी गंदी बात को लेकर निशाने पर हैं। दरअसल सदन में जनसंख्या नियंत्रण पर भाषण देने के दौरान नीतीश कुमार कुछ ऐसी बातें बोल गए जिसको लेकर देश भर में बवाल मच गया है। नीतीश कुमार की आपत्तिजनक बातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रिएक्ट किया और उन्होंने मध्य प्रदेश की चुनावी सभा में इसे महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया। वहीं महिला आयोग ने भी आपत्ति जताते हुए नीतीश कुमार से माफी की मांग की। हालांकि नीतीश कुमार ने इस पर माफी जरूर मांग ली है, लेकिन सोशल मीडिया पर अब भी ट्रोल हो रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार के बयान के बचाव में भी महागठबंधन की ओर से नए नए तर्क दिए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार की बातों का गलत मतलब निकाला जा रहा है, तो वहीं राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार की जुबान से गलती से निकल गया। इधर राजनीति के मुद्दों पर खुलकर बोलने वाली राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी नीतीश कुमार का बचाव किया है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार का विरोध करने वाली भाजपा को खूब खरी खोटी सुना दिया। सबसे पहले रोहिणी ने भाजपा एमएलसी निवेदिता सिंह पर हमला बोला। दरअसल एमएलसी निवेदिता सिंह नीतीश कुमार के बयानों को आपत्तिजनक बताते हुए रोने लगी थी। इसी को निशाना बनाते हुए रोहिणी आचार्य ने लिखा, महोदया के आंखों में आंसू आने के कारण सामाजिक आर्थिक गणना है। इनकी आंखों में आंसू उस दिन क्यों ना आई जब मणिपुर में बेटियों को सरेआम निर्वस्त्र करके परेड कराया गया। उस दिन तो ये गांधारी बनकर दुशासन रूपी भाजपा राज का गुणगान कर रही थी। रोहिणी आचार्य यही नहीं रुकी, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। आसाराम के साथ उनकी एक तस्वीर शेयर की। रोहिणी ने लिखा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, इसका आका ही कभी आसाराम के चरणों में तो कभी गुरु राम रहीम के चरणों में लेटकर ऐसा ज्ञान पाया कि अपने मुख्यमंत्री काल में नाबालिग बहन बेटियों की जासूसी किया करता था। इतना ही नहीं, रोहिणी ने आगे लिखा कि काश इन लोगों का विवेक उस समय जागृत हो जाता जब देश की सम्मान दिलाने वाली पदक वीर बेटियां जंतर मंतर पर अपने सम्मान के लिए धरना दे रही थी, तो आज बृजभूषण शरण सिंह जैसा यौन शोषण का आरोपी सीना तान भाजपा का सांसद बनकर बैठा ना होता। बहरहाल आइए सिलसिलेवार सुन लेते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या बयान दिया था और इस पर कैसी प्रतिक्रियाएं आई हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने माफीनामे में क्या कुछ कहा है इसको भी सुन लीजिए। जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है तो उसी में, अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा मतलब को, याद करिए अब पहले क्या था। सुनो 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है अभी तो। और हम नेता जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं।
बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहे मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। और मैं महिलाओं के पक्ष में है और जितना काम किया गया है और जितना उनके हित में काम किया गया है और जितना बड़ा काम हो गया है अब उसके चलते जो दिया जा रहा है आप समझिए 50 की जगह हम लोग जो 65% दे रहे हैं ताकि अति पिछड़ा और पिछड़ा को दोनों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये सारी बातें कर दी गई और कल एक एक चीज तय हो गया लेकिन अब इतना बढ़िया काम किया गया, इतना बढ़िया काम कर दिया गया है, मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं और इसीलिए और आप लोग कल सहमत थे लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो तो मेरे किसी बात के लिए है मैं उस सब को वापस करता हूं और मैं उस सब को वापस करता हूं और जो भी मेरी निंदा करे मैं आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन आप जान लीजिए जो राज्य के हित में काम हुआ है महोदय कोई कल ही कर दिया गया आपकी बराबर है। सारे कानून आ रहे हैं महोदय और सब कर दिया जाएगा, लोगों को सुविधा की जाएगी। आपके बराबर है कोई मुख्यमंत्री स्वयं इस तरह के अपना निंदा नहीं किया है। ये लोग निंदनीय हो गए इसलिए आप अपना